गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉग बाइट के बारे में। अब डॉग बाइट के बारे में इतना कंसर्न क्यों है? डॉग बाइट बोलिए या फिर फॉर दैट मैटर कैट बाइट बोलिए या फिर मंकी बाइट बोलिए, ये इसलिए क्योंकि डॉग बाइट के कारण रेबीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। अगर जिस डॉग ने बाइट किया है, जिस डॉग ने काटा है, वो अगर रेबिड है, उसके सलाइवा में अगर रेबीज के वायरसेस है, तो ऐसे डॉग से वो इंसान रेबीज से अफेक्ट हो सकता। अब रेबीज से इतना कंसर्न इसलिए है क्योंकि रेबीज 100% फेटल है, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर एक बार किसी को रेबीज हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसकी मौत निश्चित है और वो मौत भी काफ़ी डरावनी होती है, क्योंकि इसको प्रिवेंट करना ही एक ऑप्शन है जो हमारे पास है। इसलिए जब भी डॉग बाइट होता है तो तुरंत कहा जाता है कि पहले जाके इंजेक्शन लगवा लो। तो जब भी कोई एनिमल बाइट करता है और अगर उसके सलाइवा में वायरसेस है, तो वायरसेस जिस भी आदमी को काटा है उसके स्किन में इंजेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से वो नर्व एंडिंग के थ्रू ट्रैवल करके ब्रेन तक पहुँचते हैं और ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। एक बार वायरस ब्रेन तक पहुँच गया तो फिर इसके लिए कोई इलाज नहीं है। तो इसमें फिर इसलिए जब हम देखते हैं कि जैसे ही डॉग बाइट होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि वुंड को अच्छे से क्लीन कर लो और इंजेक्शंस लगा लो। इंजेक्शन लगाने के कारण जो वायरस है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और उसको डेवलप होने के पहले ब्रेन तक पहुंचने से पहले उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करके उसको रोका जा सकता है। तो कौन से एनिमल्स है जिसके बाइट में रेबीज होने के चांसेस है? सबसे पहले तो है डॉग्स, है ना। सारे जंगली जानवर हम देखते हैं कि बहुत बार भालू है या फिर शेर है जिनके बाइट के कारण लोग आते हैं कि वाइल्ड एनिमल ने काटा है करके। उसके बाद में आता है कैट्स, देन मंकी, बहुत सी जगह पे मंकी बाइट के कारण भी रेबीज हुआ है। उसके बारे में मंगूस जो बोलते हैं उसके कारण भी होता है, और स्क्विरल्स जो बोलते हैं गिलहरी के काटने से भी रेबीज के केसेस बताए गए हैं। कुछ केसेस में जो जंगली चूहे हैं उनके काटने से भी रेबीज बताया गया है। घर का जो डोमेस्टिक चूहा है, जो अपने घर में पाया जाता है, वो काटने के बाद रेबीज का इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जंगली चूहे हैं उनके काटने से भी रेबीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये अगर इनमें से कोई भी अगर एनिमल बाइट करता है तो हमें उसके लिए ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने जो एनिमल बाइट है उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, 2 और 3। कैटेगरी 1 में आता है लिकिंग ओवर इंटेक स्किन, या फिर लिकिंग मतलब चाट लिया कुत्ते ने, या फिर रेबिट डॉग को आपने फीडिंग कराया है, उसको खाना वाना खिलाया है। सेकंड कैटेगरी में आता है स्क्रैचेस एंड बाइट विदाउट ऑफ ब्लड, मतलब स्क्रैच किया है, नाखून मारे हैं, दांत लगा है, लेकिन ब्लड नहीं निकला। और कैटेगरी 3 में अगर कुत्ते ने नाखून मारा है, दांत लगा है उसका और खून निकला है, तो कैटेगरी 3 में आएगा। पहले हम जब यूजी में पढ़ते थे तो उस टाइम में क्लासिफिकेशन बहुत अलग था, उसमें वो देखते थे कि कहाँ पे काटा है, फिंगर टिप्स में, फेस में, नेक पे, ये हाई रिस्क बाइट माने जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग सबसे ज़्यादा है और यहाँ से वो वायरस रैपिडली नर्व को बाइंड होकर ब्रेन तक जाने के चांसेस रहते। लेकिन अभी उन्होंने देखा कि थोड़ा सा भी अगर ऊजिंग है तो वो रिस्क है, इसलिए उसको कैटेगरी 3 में डाल दिया। तो कोई भी बाइट कहीं पे भी हुआ है, शरीर के किसी भी हिस्से में हुआ है, लेकिन अगर उसमें से ब्लड ऊज हो रहा है तो उसको कैटेगरी 3 में डाल दिया गया है। तो ये कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया? क्योंकि उस हिसाब से आप मैनेजमेंट करोगे। अगर समझो सिर्फ बच्चे कुत्ते ने पैर चाटे हैं, उसको रेबिट कुत्ते ने पैर चाटे हैं, या फिर आपने उसको खाना खिला है, तो ऐसे स्थिति में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस जगह को अच्छे से साबुन और पानी से, बहते पानी से आपको 15 मिनट के लिए धोना है, ठीक है। तो जो एरिया है उसको धोना आपको साबुन और पानी के साथ 15 मिनट बहते पानी के साथ में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 तीनों में करना है। अब ये क्यों ज़रूरी है? जब
कोई भी एनवलप वाला वायरस जिसके ऊपर एनवलप रहता है वो लिपिड कर रहता है, और जब आप उसको साबुन के पानी से धोते हैं तो एनवलप डिजॉल्व होके वायरस इनएक्टिव हो जाता है। तो कोई भी एनवलप वाला वायरस है उसको अगर आप साबुन से क्लीन करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए हम कोरोना वायरस के वक्त भी कहते हैं कि साबुन से अच्छे से हाथ धो। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 15 मिनट बहते हुए पानी में आपने साबुन से धोना चाहिए। तो जैसे नल खोल दिया और साबुन लगा के 15 मिनट तक के अच्छे से वॉश किया, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट घर में अगर सिर्फ एक या दो मिनट के लिए किया है और आपको डाउट है कि नहीं इसने ठीक से नहीं किया है, तो आपके सेंटर में भी ये चीज़ करवाना ज़रूरी है। एक तो बहते हुए पानी में वायरस बह जाता है, दूसरा साबुन लगाने के कारण उसका जो लिपिड का कैप्सूल है वो डिजोल्व हो जाता है और वायरस इनएक्टिव हो जाता है। तो आप एक तरह से वायरल लोड वो जगह का कम कर देते हो जहाँ पे डॉग ने बाइट किया है, तो उससे वायरल लोड कम करने के कारण भी रेबीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड कैटेगरी, जैसे मैंने बताया कि इसमें ऊजिंग नहीं हुआ है, दांत लगा है, नाखून लगे हैं, लेकिन ब्लड नहीं आया है बाहर, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको सबसे पहले तो साबुन और पानी से धोना है 15 मिनट के लिए बहते हुए पानी में। उसके साथ में आपको रेबीज़ का वैक्सीन देना है। थर्ड कैटेगरी जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि दांत और नाखून लगने के बाद में ब्लड आया है, ये कैटेगरी थ्री एनिमल बाइट है। यहाँ पे आपको साबुन और बहते पानी से धोना भी है, यहाँ पे आपको वैक्सीन भी देना है, और साथ में इसके साथ में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है। अब एक एक चीज़ हम समझेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है और वैक्सीन कैसे देते हैं। तो कैटेगरी वन हमने समझा कि सिर्फ वॉशिंग है। सेकंड इसमें हमने बोला है कि वुंड केयर प्लस रेबीज वैक्सीन। कैटेगरी वन में सिर्फ लोकल ट्रीटमेंट मीन्स वॉशिंग, ये वॉशिंग आपको साबुन और बहते हुए पानी के साथ करना है। कैटेगरी टू में आपको वुंड केयर और रेबीज वैक्सीन देना है, और कैटेगरी थ्री में आपको वुंड केयर प्लस रेबीज वैक्सीन प्लस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, है ना। तो तीनों चीज़ें देनी है आपको। तो सबसे पहले पटापट समझ लेते हैं रेबीज वैक्सीन क्या है। रेबीज वैक्सीन शुरुआत में जो न्यूरल वैक्सीन आता था, 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में, वो बंद हो गए, है ना। अभी जो वैक्सीन आए हैं वो आइदर सेल कल्चर पे डिराइव्ड है या फिर एक कल्चर के ऊपर डिराइव्ड है। तो ये रेबीज़ वैक्सीन अलग अलग ब्रांड में से आएंगे, रेबीवैक रह सकता है या फिर रेबीपुर रह सकता है या फिर वीरो रैब रह सकता है, डिपेंड ऑन द कंपनी। उसका डोज या तो 0.5 ml रहता है या फिर 1 ml रहता है। अगर आपको कोई वैक्सीन आप लेते हैं तो आपको देखना है कि वो कौन से ब्रांड का है, और प्रिफरेबली ब्रांड चेंज नहीं करना है। लेकिन किसी कारण से अगर वो ब्रांड अवेलेबल ही नहीं है, समझो आप कहीं बाहर गए, वहाँ पे एक इंजेक्शन लगा लिया आपने डॉग बाइट होने के कारण, और बाद में आप अपने होम टाउन में आ रहे हो और वो वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो आप ब्रांड चेंज कर सकते हो। आपके डॉग आपके जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके आप दूसरे ब्रांड का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अब रेबीज वैक्सीन जब लगाते हैं उसका एक शेड्यूल उन्होंने दिया है, उसमें आपको ये नंबर याद रखना है 0, 3, 7, 14, 28। तो जीरो मतलब जिस दिन आपने पहला डोज लिया वैक्सीन का, 3 days मीन्स तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन, इस तरीके से ये वैक्सीनेशन का शेड्यूल है। अब ये वैक्सीनेशन शुरू करने के साथ जैसे ही डॉग बाइट हुआ, जितने जल्दी हो सके आपको ये ज़ीरो डोज लगा लेना है। मतलब ज़ीरो डोज मतलब जिस दिन आपने पहला डोज लगाया, जिस दिन डॉग बाइट हुआ है उसी दिन प्रिफरेबली आपको ये डोज लगाना है। कैटेगरी टू में सिर्फ वैक्सीन लगाना है, कैटेगरी थ्री में इसी दिन आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना है, और इसके साथ में आपको टीटनस का इंजेक्शन भी लगाना है। तो पहले इसके बाद में आप 3rd day, 7th day और 14th day और 28th day इस तरह का वैक्सीनेशन है। ये शेड्यूल उस लिए है जब कोई वाइल्ड एनिमल बाइट करता है, बंदर ने काट लिया या फिर कोई जंगली जानवर ने काट लिया, तो उस वक्त ये शेड्यूल है। अगर आपका पेट डॉग है या किसी के घर का कुत्ता है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो 10 दिन तक की उन्होंने बोला है कि डॉग को ऑब्जर्व करो। अगर 10 दिन कुत्ता अच्छा है तो आपको ये 14th और 28th day वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर
डॉग के सलाइवा में रेबीज के वायरसेस है तो डेफिनेटली कुत्ता 10 दिन में मर जाएगा, तो या फिर उसमें कुछ लक्षण आने चालू हो जाएंगे। अगर 10 दिन कुत्ता बहुत अच्छा है तो उसको फिर आगे के डोज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं 10 दिन कुत्ते को ऑब्जर्व करूँगा, अगर सिम्टम्स आए तो वैक्सीन लूँगा, ये गलत है ना। तो जिस दिन कुत्ते ने काटा है उसी दिन आपको वैक्सीन लेना है। उसके बाद में तीसरे दिन, सातवें दिन लो, 10 दिन तब तक के हो जाते हैं। अगर 10 दिन के बाद में कुत्ते को कोई सिम्टम नहीं है तो ये 14th और 28th डे वाला आप स्किप कर सकते हैं। अगर कुत्ते को कोई सिम्टम आते हैं या फिर उसको देख नहीं पा रहे, जैसे लावारिस कुत्ता है काट के भाग गया, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या फिर जंगली जानवर है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पूरे डोज लेने, पाँचों के पाँचों डोज लेने हैं। अब ये जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, ये दो कैटेगरी, दो तरीके से दिया जाता है। एक तो इंट्रामस्कुलर, जो हर जगह मोस्टली लगता है, तो इसमें आपको 0, 3, 7, 14, 28 में एक एक इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन को आपको डेल्टॉइड में लगाना है या फिर एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे लगाना है। इसको कमर में नहीं लगाना है, ये वैक्सीन कमर में काम नहीं करता, तो इसको कमर में नहीं लगाना है। इसको आपको यहाँ पे कंधे में, डेल्टॉइड में लगाना है या फिर थाइज में, एंटेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाइज जो बोलते हैं, वहाँ पे आपको लगाना है। अगर बच्चा है तो प्रिफरेबली आपको थाई में लगाना पड़ेगा, अगर अडल्ट है तो आप उसको डेल्टॉइड में भी लगा सकते हैं। ये इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर देना है। अगर इंट्राडर्मल शेड्यूल के लिए कोई जाता है तो उसका शेड्यूल कुछ इस तरीके से लगेगा। इंट्राडर्मल मतलब चमड़ी के अंदर देना है, इसमें आपको दो दो इंजेक्शन देने हैं। अब दो दो क्यों देने हैं, क्योंकि इंट्राडर्मल का शेड्यूल उस तरीके से उन्होंने बनाया है कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से वो इंट्राडर्मल वैक्सीन देते हैं, दो 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 और दो। तो इसमें क्यों इंट्राडर्मल क्यों देना है, बहुत से जो स्टेट्स है वहाँ पे डॉग बाइट या एनिमल बाइट के बहुत सारे केसेस हैं, तो ऐसे इसमें उसको इकोनॉमिकल करने के लिए वो उसका डोज रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे आपका डोज आता है 0.5 ml या फिर 1 ml, डिपेंड कि ब्रांड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो डोज है वो 0.1 ml ही है। तो अगर 1 ml का वायल है जहाँ पे इसका आपको एक आदमी को डोज लगता था, ये अगर 0.1 के दो भी लगा दिए तो भी 5 आदमी को लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये शेड्यूल आया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटर में यही शेड्यूल फॉलो होता है इंट्रामस्कुलर वाला। जिस स्टेट में थोड़ा सा वैक्सीन अवेलेबिलिटी का इशू है वहाँ पे इंट्राडर्मल आपको देना है। लेकिन एक बार वायल डिजोल्व करने के बाद आपको उसको फ्रिज में रखना है, अगर दूसरा पेशेंट आने का है तो 6 घंटे में अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो एनिमल बाइट ओपीडी जो रहती है वहीं पे इसका रोल है। प्राइवेट सेक्टर में तो बेटर है कि आप इंट्रामस्कुलर में ही जाओ जहाँ पे पेशेंट लोड इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये शेड्यूल हमने देखा, ये शेड्यूल के हिसाब से आपको वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेट करते वक्त ये डिस्टेंस उसी हिसाब से मेंटेन करना है, और जैसा मैंने बताया कि अगर कैटेगरी 3 है तो आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दो टाइप से आते हैं, जैसे एक इक्वाइनस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है और दूसरा है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इक्वाइनस मीन्स ये घोड़े से तैयार होता है, घोड़े में रेबीज़ के वायरस डाले जाते हैं, उसके अंदर उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होती है और वो चीज़ को, वो इम्यूनोग्लोबुलिन को घोड़े से सेपरेट करके फिर ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो है ह्यूमन बीइंग में से सेपरेट किया हुआ है, अलग तकलीक से बनता है। तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो इक्वाइनस अगर है तो डेफिनेटली घोड़े की तरफ से लिया हुआ है, ये एनिमल प्रोटीन है, तो इसको एनाफाइलैक्सिस जो बोलते हैं रिएक्शन आने के चांसेस ज़्यादा है। इसका बेनिफिट क्या है, सस्ता है ना, ये सस्ता है और गवर्नमेंट के इसमें फ्री भी मिल जाता है अगर अवेलेबल है तो। रेबीज ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये कॉस्टली है और लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये देने के बाद में एनाफाइलेक्सिस के चांसेस नहीं है। और इसके कारण ही जब आप इक्वाइनस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं तो आपको सबसे पहले स्किन टेस्ट करनी होती है ना। तो स्किन टेस्ट करनी है आपको, छोटा सा वॉल्यूम इन्फ्लेट करके देखना है कि वहाँ पे रैशेस तो नहीं आ रहे। अगर रैशेस आते हैं तो
आपको ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। अगर किसी कारण से ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको सारे मेजर्स रेडी रख के आपको इक्वाइनस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। क्यों? क्योंकि अगर रेबीज हो गया तो 100% फेटल है। यहाँ पे आपको एड्रेनालिन, हाइड्रोकॉर्ड, ऑक्सीजन सारी चीज़ें रेडी करके आपको इक्वाइनस रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना ही है। इसका डोज है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, है ना। तो जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा इसका डोज आएगा, और जो भी डोज आता है उसका आधा या फिर मैं अगर कोशिश करके पूरा का पूरा जहाँ पे काटा है ना, जहाँ पे जिस साइट पे एनिमल बाइट हुआ है वहाँ पे आपको इन्फिल्ट्रेट करना है, उसके आजू बाजू में उसको इन्फिल्ट्रेट करना है। क्यों? क्योंकि ये रेडीमेड इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जहाँ पे वायरस होगा उसको बाइंड कर लेगा, और एक बार वायरस को बाइंड कर लिया तो वो नर्व के थ्रू ब्रेन तक के नहीं पहुंच पाएगा। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वुंड काफ़ी बड़ा है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा ब्लड जा रहा है, या फिर लैसरेटेड वुंड है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यूज़ करना है। ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो है इसके लिए कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन कॉस्टली है। अगर एक समझो 80 किलो का आदमी है तो उसका बजट लगभग 30,000 के करीब जाता है। अब गवर्नमेंट इसको एसेंशियल ड्रग में इंक्लूड करके इसके प्राइस कम कर रही है ना। तो हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हमने देखा कि इसका कॉस्ट 30,000 तक के जाता है अगर एक 80 किलो का आदमी है। तो ये ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से देना है। जितना ज़्यादा वजन उतना ज़्यादा डोज। इसे भी मैक्सिमम आपको जहाँ पे वुंड है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करना है। अगर क्वांटिटी उसके बाद भी बचती है, समझो छोटा सा ही वुंड है, हमने कैटेगरी 3 में कहा था कि बाइट एंड स्क्रैचेस विथ ऊजिंग ऑफ ब्लड, समझो दो दांत लगे हुए हैं सिर्फ, आपने 80 किलो का आदमी है, थोड़ा सा यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर लिया, ज़्यादा पूरा का पूरा तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, तो बचा हुआ आपको इंट्रामस्कुलर देना है। लेकिन अगर आपने राइट थाई में वैक्सीन दिया है तो लेफ्ट थाई में आपको इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है। जिस थाई में वैक्सीन दिया उसी थाई में अगर आप रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे तो वो उसको ही न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी आपको जिस दिन पे बाइट हुआ है उसी दिन पे देना चाहिए आइडियली। लेकिन अगर कोई लेट प्रेजेंट होता है या फिर कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है, उसने वैक्सीन लगवा लिया, तो पहला डोज जो आपने वैक्सीन का लगवाया है उसके 7 दिन के भीतर ही रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। अगर पहला डोज देके 7 दिन हो गए हैं तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन काम नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, आपका रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वेस्ट है। वैसे कंडीशन में आपको इसे यूज़ नहीं करना, इसको पहले 7 दिन में ही, पहले डोज के 7 दिन में ही आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का रोल है। लेकिन जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो इमीडिएटली जैसे ही डॉग बाइट हुआ जितने जल्दी हो सके आपको वुंड में इसको इन्फिल्ट्रेट करना है। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि डोज जो कैलकुलेट किया है वो सफिशिएंट नहीं होता, समझो खास करके जो बच्चे होते हैं और किसी कारण से मल्टीपल डॉग बाइट्स रहते हैं, है ना, और जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया वो कम पड़ता है इतने सारे वुंड में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, तो आप उसको नॉर्मल सलाइन के साथ में डाइल्यूट कर सकते हैं, और डाइल्यूट करने के बाद में उसको जितने भी वुंड है वहाँ पे आपको इन्फिल्ट्रेट करना है। रिसेंटली रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ये नया एडवांस है ट्रीटमेंट में, ये अभी भी आया, अभी अभी इसको अप्रूवल मिला है। तो इसको, इसका ब्रांड एक है रैपशील्ड करके, तो रैपशील्ड नाम का एक ब्रांड आता है। ये थोड़ा सा आपको ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन से कम पड़ेगा, है ना, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। इसका डोज है 3.33 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, तो ये अपने बजट में आ जाता है। तो अगर 80 किलो का आदमी है तो इसका 7-8 हज़ार में हो जाएगा, है ना। तो ये रैपशील्ड करके जो है रेबीज ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो इसको भी आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, मतलब आपको स्किन टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, एनाफाइलेक्सिस के चांसेस कम है। तो ये आप अभी रिसेंटली जो अप्रूव हुआ है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी, हर जगह अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप बात करके रखें, आपके एरिया में अगर एनिमल बाइट के केसेस आते हैं तो आप इसको अवेलेबल करा सकते हैं।
अब कैटेगरी थ्री में अगर समझो लैसरेटेड वुंड है और आपको लगता है कि इसको स्टिचेस लेने चाहिए, तो जहाँ तक हो सके आपको स्टिचेस नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्टिचेस लेते हो तो और वहाँ पे इंजरी होती है और उसके साथ में वो वायरस नर्व्स को बाइंड करके ब्रेन तक पहुँचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैटेगरी थ्री में अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ही आपको इमीडिएटली सूचर लेने हैं और मिनिमम सूचर लेने हैं ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। और वुंड में फिर से इन्फिल्ट्रेट करने के बाद में आप तीसरे दिन सूचर ले सकते हैं, इसको डिलेड सूचरिंग कहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लैसरेटेड वुंड भी है तो भी उसको आपको डिलेड सूचरिंग लेना है अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो। ये इसलिए क्योंकि जब आप इम्यूनोग्लोबुलिन वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर दोगे तो वायरल लोड कम हो जाएगा और वायरल लोड कम होने के बाद में आप उसको सूचरिंग कर पाओगे। साथ में टिटैनस आपको देना ही है यहाँ पे। अगर पेशेंट ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है और इमीडिएटली बूस्टर वूस्टर सारी चीज़ें हो चुकी है तो ही आपको टिटैनस को रोकना है, अदरवाइज हर केस में आपको टिटैनस देना है। और साथ में अगर वुंड बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये बड़ा वुंड है, इसको इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। समझो कि एक बार डॉग बाइट हो चुका है और आपने पूरा वैक्सीन ले लिया है, फिर से डॉग बाइट हो गया, तो अगर 3 ही महीने हुए हैं तो 3 महीने में आपको कोई डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर हुआ है तो आपको रिपीट करना है 0 and 3 days पे। तो 0 day पे मतलब जिस दिन बाइट किया उस दिन, और तीसरे दिन लेना है। यहाँ पे IM अगर देना है तो आपको एक एक देना है। लेकिन अगर इंट्राडर्मल, जो हम देखते थे कि ट्रीटमेंट में 2-2 डोज लगाते थे, तो इंट्राडर्मल शेड्यूल में भी यहाँ पे एक एक ही इंजेक्शन लेना है, जबकि हम ट्रीटमेंट में 2-2 इंजेक्शंस लगाते थे। या जो वेटरनिटी डॉक्टर्स हैं या फिर जो एनिमल के साथ में काम करते हैं, ट्रेनर्स हैं उनके, या फिर कोई अगर वायरल लैब में काम करता है, वायरोलॉजी लैब में काम करता है जहाँ पे रेबीज के लिए वो स्टडी करते हैं, तो उनको हम प्रोफिलैक्टिकली वैक्सीनेट कर लेते हैं। मतलब उनको बोलेंगे प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन। उनको किसी कुत्ते ने काटा नहीं है लेकिन हमको फिर भी उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो उनके लिए शेड्यूल उन्होंने दिया है 0-3। तो उसके बाद में आइदर यू गिव एट 21 और 28 डेज, है ना। तो 3 इंजेक्शन उनको लगेंगे, 0 मतलब जिस दिन आप पहला लगा रहे उस दिन, उसके बाद तीसरे दिन, उसके बाद 21 या 28 डे पे। ये प्रोटेक्शन कितने दिन देगा? तो जो हाई रिस्क जोन में काम करते हैं, जैसे जो रेबीज वायरस के लैब में काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं रेबीज़ के लिए, क्योंकि रेबीज़ एरोसोल से भी फैलता है, है ना। तो ऐसे कंडीशन में उनको हर 6 महीने में उनका टाइटर कराना है, हर 6 महीने में उनके एंटीबॉडीज़ का टाइटर करना है। और अगर उनका एंटीबायोटिक का टाइटर अगर 0.5 IU/ml से नीचे है तो उनको फिर से वैक्सीनेट करना है, फिर से पूरा शेड्यूल देना है, राइट। अगर समझो वेटरनिटी डॉक्टर है जिनको उतना रिस्क नहीं है, उन्होंने भी हर 2 साल में अपने रेबीज एंटीबॉडीज़ का टाइटर देखना चाहिए, अगर वो 0.5 IU/ml से कम है तो उनको आपको वैक्सीनेट करना चाहिए। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है कि अगर कुत्ता वैक्सीनेटेड है तो क्या फिर भी हमें वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है? हाँ, अगर कुत्ता वैक्सीनेटेड भी है तो भी हो सकता है कि वो फुल्ली उसका कितना कवर हुआ है, वो 100% प्रोटेक्टेड है या नहीं, ये डाउट है। और क्योंकि हमको मालूम है कि रेबीज 100% फेटल है तो हमको वैक्सीनेट करना है। क्या छोटे कुत्ते से काटने पे भी इंजेक्शन लेना है? हाँ, कितना भी छोटा कुत्ता क्यों ना हो, अगर उसने काटा है तो आपको वैक्सीनेट लेना है। एक स्पिरिट टेस्ट करके है, ये कैटेगरी 2 में करते हैं, कि जैसे स्क्रैच हो गया और ब्लड नहीं निकला है तो डाउट है स्क्रैच हुआ भी है या नहीं, तो उसको स्पिरिट लगा के देख लो, अगर जलन हो रही है मतलब उसने काटा है, आपको वैक्सीन लेना है। क्या काऊ का अगर समझो किसी गाय में रेबीज सस्पेक्ट कर रहे हैं और उसने अगर समझो उनका दूध आपने पी लिया, तो क्या उसके लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? तो नहीं, इस तरीके से रेबीज नहीं फैलता है, आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फिर बच्चे को दूध पिला रही है तो क्या उनको वैक्सीन दिया जा सकता है? हाँ, क्यों? क्योंकि 100% फेटल डिसीज़ है, आपको देना है, इसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर डॉग बाइट हुआ है, आपको लगता है कि रेबीज हो सकता है, तो वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देना ही है। अगर ब्रांड अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा ब्रांड अवेलेबल कर सकते हैं। क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है? अगर एक आदमी को रेबीज हो गया तो दूसरे आदमी को हो सकता है?
इसके चांसेस बहुत कम है ना, तो ऐसा नहीं फैलता ये, उनकी केयर आप ले सकते हैं रेबीज वैक्सीन, लेकिन सारे प्रिकॉशंस लेके करना है। अगर एड्स के पेशेंट है या फिर किसी कारण से जिनकी इम्यूनिटी नहीं है, तो उनको क्या डिफरेंस होता है मैनेजमेंट में? तो अगर कोई पेशेंट एचआईवी एड्स का पेशेंट है और उसको अगर डॉग बाइट होता है या फिर किसी और कारण से इम्यूनो डिफिशियंसी है, तो कैटेगरी टू में भी आपको रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। बस इतना ही चेंजेस है, उसका शेड्यूल सब सेम रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे भी कैटेगरी टू में भी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। सो क्या जब आप वैक्सीनेशन ले रहे हो, डॉग बाइट हुआ है, तो कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं, इसमें कोई डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। वुंड को क्या लगाना चाहिए? वुंड को जब भी लोकल बाइट होता है या कुछ होता है, तो आपको वहाँ पे आपको चूना नहीं लगाना है, आपको हल्दी नहीं लगाना है, आपको कोई भी बाकी चीज़ें नहीं लगाना है ना। वहाँ पे आपको वॉश करना है 15 मिनट के लिए साबुन और पानी के साथ, बहते हुए पानी के साथ, और वहाँ पे आपको एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है। एंटीसेप्टिक लोशन में वायरस को किल करे, है ना। एंटीबायोटिक लगा के, सोफ्रामाइसिन लगा के काम नहीं होने वाला। आपको क्या लगाना है वहाँ पे? आपको स्पिरिट लगाना है, वहाँ पे आपको प्रोवोडीन आयोडीन, जिसको हम बीटाडीन बोलते हैं, वो लगाना है। क्यों? क्योंकि ये वायरस किल करते हैं। आपने महंगे से महंगा भी अगर एंटीबायोटिक लगाया है वहाँ पे, तो कोई काम का नहीं है, है ना। आपको ऐसी चीज़ लगानी है जो वायरस को किल करे, इसलिए आप बीटाडीन वहाँ पे लगा सकते हैं।